कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 11 सवये क्षितिज भाग 1। ये सवये रसखान जी के द्वारा रचित हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करेल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। यानी रसखान जी हर स्थिति में श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? उत्तर, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल को डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। इसलिए रसखान जी श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पे सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करें, गले में कुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। क्योंकि ये सारी विशेषताएं श्री कृष्ण जी में थी, तो सखी गोपी को समझाती है कि तुम भी वही सारी चीजें धारण करो। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सानिध्य यानी श्री कृष्ण का सामीप्य। उत्तर, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं कि कोई भी किसी भी जन्म में मुझे अगर जन्म लेना पड़े, चाहे पशु बनूं या पक्षी बनूं या पहाड़ बनूं, तो ऐसा पशु पक्षी पहाड़ बनो जिन पे श्री कृष्ण पशु में विचरण करते, पक्षी के रूप में उड़ते और पहाड़ों पे वो गायों को चराते, ताकि कृष्ण का सामीप्य उनको मिल सके। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवे के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर, चौथे सवे के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है।
गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कह कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर, भाव यह है कि रसकान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्योछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। खैर, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी ने जेहे न जेहे न जेहे। उत्तर, भाव ये है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, कालिंदी कूल कदम की डारन में कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जिसने वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार है, तो वो सारी शर्तें इसमें पूरी हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य भाव स्पष्ट कीजिए। या मुरली धर की अधरन धरी अधरान धरोगी। उत्तर, गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेगी परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों यानी होठों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे ये मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। सोत यानी एक पति के अगर अपनी पत्नी होती है और दूसरी को अपनी पत्नी की तरह रखता है तो वो सोत होती है। तो श्री कृष्ण जी जब होठों पे मुरली धारण करते हैं तो गोपी को वो भी सोत की तरह लगती है। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवय का सुंदर प्रयोग हुआ है जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। लय और मय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।